तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं लाने जा रहा हूँ कि जियो फाइबर का जो सेट टॉप बॉक्स है जो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एमआई का फर्मवेयर इंस्टॉल किया था, बट बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो जो कनेक्ट कर रहे थे लैपटॉप पे बट वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने कई सारे कमेंट किए थे कि आपका वर्जन कौन सा है, वर्जन आप कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग में जाइए, जियो के सेट टॉप बॉक्स में अबाउट में जाइए और सबसे देखिए नीचे आपको यहाँ पर मैंशन हो रहा होगा कि वर्जन कौन सा है। अगर आपका वर्जन जैसे मेरा वर्जन अभी आप देख रहे हैं 7.3.5 है, अगर आपका वर्जन 6 या 6 से अबव है तो ये जो प्रोसेस मैंने बताया था वो प्रोसेस इसमें काम नहीं करेगा। तो अगर मैं आपका भी 7 या 6 पॉइंट से ऊपर का कोई सेट टॉप बॉक्स है और उसमें आप एमआई का फर्मवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसमें कई सारी चीज़ें एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकें या जियो फर्मवेयर को पूरा तरह से हटाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इसको जो ये वर्जन आप देख रहे हैं इसको हम डाउनग्रेड कैसे करें, क्योंकि मैंने कई सारे कमेंट्स पे रिप्लाई यही किया था कि आपको उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस वर्जन को जो 7.3 है इसको हम डाउनग्रेड करके 6 से नीचे ले आएंगे और उसके बाद इसमें एमआई का फर्मवेयर इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि कैसे जियो फाइबर के एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कई सारे मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, तो प्रीवियस वीडियो में जाइए या ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और उसमें आप देखिए कई सारे मैंने वीडियो बनाए हैं कि कैसे आप इसको जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या इसमें नया फर्मवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे वीडियो आप ऐसे ही बहुत ही देर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं कैसे इस जो वर्जन है अपना एमआई जियो का जिसको हम एमआई का फर्मवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो वर्जन है 7 का इसको हम डाउनग्रेड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहाँ पे दो फाइलें हैं, वो दो फाइलें आपको इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले एक फर्मवेयर की फाइल है, उसको आपको रीनेम कर देना है update.zip पे। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे इस पर सारी चीज़ें का प्रोसेस करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी फाइल आपको ये AML फाइल है, ये आपको दो फाइलें बस डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करके आपको यहाँ पे रख लेना है और उसको अपने पेन ड्राइव पे कनेक्ट करना है। मैंने पेन ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, ये देखिए ये पेन ड्राइव मेरी कनेक्टेड है यहाँ पर। यहाँ पे इसको आपको पहले फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट का जो तरीका है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको अगर आपका यहाँ पे फैट या कुछ भी सिलेक्टेड है तो यहाँ आपको फैट 32 FAT32 यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर स्टार्ट कर देना है। इससे आपकी पूरी जो भी चीज़ें इसमें होंगी सारी फाइलें, वो सारी की सारी फाइलें जो हिडन फाइल होंगी सारी की सारी फाइलें डाउनलोड जो होंगी इसमें आपने कर रखी होंगी या सेव कर रखी होंगी सारी देखिए डिलीट हो जाएंगी, सारी डिलीट हो गई हैं। अब आपने सिर्फ वो जो दो फाइलें मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने यहाँ पे जियो डाउनलोड करके फाइल मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसको इग्नोर करिए। ये मैंने एप्लीकेशन सारी रखी थी जब मैंने जियो का फर्मवेयर इंस्टॉल किया था, तो इसमें इंस्टॉल करने के लिए मैंने इजी रहे इसलिए मैंने किया था। बस ये दोनों फाइलें आपने कॉपी करनी है और कॉपी करके आपको अपने पेन ड्राइव पे चले जाना है। ये देखिए मैं अपने पेन ड्राइव पे ये दोनों फाइलें कॉपी कर दूंगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो फर्मवेयर फाइल जो फर्मवेयर जो आपने इसका इंस्टॉल किया है जो डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आपको रीनेम जरूर करना है। update.zip जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो रीनेम करके कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये जो आप अपडेट जो अपना डाउनलोड करना चाहेंगे वो डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए आपके सामने ये सारी फाइल अभी कॉपी हो जाएगी। तो जब तक ये फाइल कॉपी हो रही है आप नए सब्सक्राइबर जो ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने और या जो अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको उनके लिए अगर ये पहला वीडियो है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरे पुराने वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ये जब तक पुराने वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये शायद हो सकता है कन्फ्यूजिंग टॉपिक लगे। तो मेरे पुराने वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बताया है कि जियो फाइबर का सेट टॉप बॉक्स को कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या उसका फर्मवेयर आपको चेंज करना है तो आपको कैसे करना है, और या आप नए सब्सक्राइबर नहीं हैं, आप पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने जो कमेंट्स किए थे कि कैसे डाउनलोड करना है उस पर मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए अभी फाइल कॉपी हो रही है पेन ड्राइव में, सारी फाइल जब कॉपी हो जाएगी तब हमें सिर्फ और सिर्फ जो आपका सेट टॉप बॉक्स है जो अभी आप देख रहे हैं टीवी पे कनेक्टेड है उसी पे ये पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है और रन कराना है। बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें 2 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगेगा और जब ये डाउनग्रेड हो जाएगा तब आपको वापस वो प्रोसेस कंप्लीट करना है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तब आप उसको कनेक्ट करेंगे। मैं आपको कनेक्ट करके दिखा भी दूंगा, जैसे अभी आपका 7.3 मेरे को दिख रहा है वर्जन। तो अब हम जब डाउनलोड करेंगे तो क्या मेरे को उसमें दिखाई पड़ेगा और क्या मैंने इसमें देखा था वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करने वाला हूँ।
तो देखा आपने ये दोनों फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। ये मेरी MI का ये जियो का फर्मवेयर है जो 5.7 समथिंग है। इसका फाइल जो नेम है वो मैंने चेंज किया है, आपको ये ज़रूर चेंज करना है, update.zip, और ये AML फाइल है। इन दोनों को करके सिर्फ और सिर्फ बस इन दोनों को सेव करना है। अब आप इसको PC पे आप बाहर आ जाइए, पेन ड्राइव को निकाल करके चलते हैं अपने सेट टॉप बॉक्स की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं जियो फाइबर के सेट टॉप बॉक्स की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे जो अभी आप वर्जन देख रहे हैं जो 7.3 है, मैंने सारा जो वर्ज़न है वो अभी जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था वो मैंने पेन ड्राइव पे कर लिया है। और अब मैं इसको इस पेन ड्राइव को लगाने जा रहा हूँ सेट टॉप बॉक्स में। यहाँ पे आपको सेट टॉप बॉक्स जो आपको दिख रहा है जो मेरा फिजिकल है, मैं अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा पाऊँगा, बस आपको पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है। ये इतना सिंपल है कि ये तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं इसको बस पेन ड्राइव कनेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे सेट टॉप बॉक्स को पहले ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने में आपको ध्यान रखना है जो आपका 3.0 वाला जैक है उस पर आपको नहीं लगाना है, 2.0 पे लगाना है। जो ब्लू कलर का है उस पर नहीं लगाना है, जो आपका 2.0 है उस पर कनेक्ट करना है, 3.0 पे नहीं करना है। ठीक है, तो अब मैंने कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे सामने ये आपको दिखाई पड़ रहा है। सिंपली आपको सेट टॉप बॉक्स को पहले बैक कर देना है ताकि जो हमने पुराना मेथड दिखाया था, आपको मैंने बताया था कि जो लास्ट जो एक पिन का पॉइंट है वहाँ पे आपको पिन कनेक्ट करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको मैं दिखा पाऊँ। ये जो सेट टॉप बॉक्स है यहाँ पे मैं एक पिन कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे बस जो मैंने फॉर्मेट करने को बताया था, मेरा वो पिन पता नहीं कहाँ गया जो सिम रिमूवल का था। तो एक सेफ्टी पिन की मैं यूज़ मदद से इसको मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, और प्रेस करते ही ये इसमें एक लोगो आ जाएगा रेड कलर का, जिससे वो जो डेटा है जो इसका फर्मवेयर है वो ऑटोमेटिक इसको इंस्टॉल कर देगा। तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ ऑफ करते, कि क्योंकि इसको पहले मुझे ऑफ करना पड़ेगा। और ये सेट टॉप बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है, और अब मैं इसको पिन कनेक्ट कर रहा हूँ। पिन कनेक्ट करते ही इसमें एक लोगो आना चाहिए रेड कलर का, जो वो फर्मवेयर इंस्टॉल करते समय आएगा। तो मैंने इसको रेड कलर का ऑफ किया है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये फैक्ट्री डाटा रीसेट हो रहा है। वैसे इसमें पहले अपडेट वाला प्रोसेस आना चाहिए था, लेकिन ये आया है। एक बार मैं अभी कुछ छिड़खानी नहीं करूँगा कि ऐसा ना हो जाए कि इसमें कोई डेटा ना पाए। वैसे एक मिस्टेक हुई है मुझसे, क्योंकि जो मैंने पिन है वो बहुत ही जल्दी रिमूव कर दिया था, जिसकी वजह से ये आपको देख रहे हैं ये वर्ज़न आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी इसमें कोई भी वर्ज़न अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना बस जस्ट फॉर्मेट हुआ है। तो एक मेरे से मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको इसको डिलीट नहीं करूँगा इस मिस्टेक को, क्योंकि अगर आपको अंदर क्योंकि आपके में ये प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछोगे, तो शायद हो सकता है ये स्किप मैं ना करूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये देखिए इसमें वही पुरानी तरह सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आपको कनेक्ट वनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे शायद मेरा रिमोट इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो वो मैं कर लेता हूँ कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो पहले मैं देख लेता हूँ। मैं इसने फॉर्मेट किया है तो क्या वर्ज़न इसका ऑटोमेटिकली चेंज हुआ है क्या? अगर ये हो गया है तो फिर तो हमें ये कोई भी मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बार हम इसको पहले देख लेते हैं कि क्या ये इसका प्रोसेस में चेंजेस हो गया है क्या। तो मैंने यहाँ पे ऑटो रेजोल्यूशन करके मैं देख लेता हूँ कि मेरा अभी वर्ज़न कौन सा है, और ये सब स्किप कर देता हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, और इसको भी कंटिन्यू कर लेते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि इससे वर्ज़न चेंज हुआ होगा, फिर भी ठीक है एक बार अगर ये हो जाता है, क्योंकि मैंने सेट टॉप बॉक्स में मैंने कई सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल किए थे, और एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी वर्ज़न कौन सा है। और ये मेरा वर्ज़न, हाँ ये मेरा वर्ज़न अभी वही है 7.3। तो ये इससे अभी मेरा नहीं हुआ है। अब मैं इसको ऑफ़ करने जा रहा हूँ, और अब जो मैंने प्रोसेस गलती किया था उसको मैं सही करूँगा। और मैं इसमें मैंने प्रेस किया, हाँ ये देखिए प्रेस करके रिलीज़ किया करूँगा। तो ये देखिए आपके सामने जियो का लोगो आ गया है, और ये जो फर्मवेयर है हमारा जो मैंने पेन ड्राइव में डाला था, ये देखिए आपको दिख रहा है अपडेटिंग क्लाइंट डू नॉट अनप्लग द पावर केबल अंटिल द 5.7
पावर इज एंटिल द प्रोसेस इज कम्प्लीट। तो अभी जो हमारा वर्जन है वो ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड होना शुरू हो गया है, अभी आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अभी बीच में मेरे साथ हुआ था, अभी यहाँ पे लाइट चली गई थी, अच्छा है ये समय प्रोसेस मेरा ये नहीं लगा था। तो आपका पावर इसमें होना चाहिए, यानी कि अगर लाइट जाती है तो इन्वर्टर का अगर आपके पास में कनेक्शन है तो उस पर इसको कनेक्ट करके करिएगा, क्योंकि लाइट बीच में कहीं नहीं जानी चाहिए, अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो माइट भी आपका सेट टॉप बॉक्स भी ब्लॉक हो जाए। तो मैंने इसमें इन्वर्टर से कनेक्ट कर रखा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट मेरी चली गई फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा डाउनग्रेड हो रहा है, अभी मैं डाउनग्रेड करने के बाद दिखाऊंगा कि ये सेट टॉप बॉक्स कैसे काम करेगा। तो ये देखिए मेरा फर्मवेयर पूरा अपडेट हो गया है। अब आपको देखिए कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि अभी आपको इस पर अगर आप वर्क करना चाहें तो ये करेगा नहीं, क्योंकि कई सारे OTP और पासवर्ड वगैरह मांगने लग जाएगा। तो देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या ये प्रोसेस मांगेगा। ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसको कनेक्ट किया है कि इसको हम डाउनलोड करके अपने जो हमारा बूटलोडर कंसोल है उस पर इसको हम कनेक्ट कर सकें। तो आपने बस ये फर्मवेयर इसीलिए डाउनलोड करना है ताकि आपको जो आपका जो हमारा कंसोल है, जो बूटलोडर कंसोल मैंने दिखाया था आपको, वो उसको आप इससे कनेक्ट कर ले जाएं। तो 6 या 6 से ऊपर जितने भी आपके वर्जन हैं जिसका भी ये कनेक्ट नहीं होता है, ये मेथड को फॉलो करिए, अपना जियो को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको दूसरे फर्मवेयर को इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी अगर हम देखते हैं सेटिंग में जा करके, तो ये मैं अबाउट में आ गया और ये देखिए आपको वर्जन दिख रहा है 5.9.3.1, यानी कि अब ये वर्जन ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो चुका है जो हमें पेन ड्राइव से किया था। कोई भी लंबा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 2 फाइलें आपको पेन ड्राइव में कनेक्ट करनी है और आपको सिस्टम से बाकी कोई काम नहीं है। अपने जैसे ही कनेक्ट करेंगे, पिन रिलीज करेंगे, सेट टॉप बॉक्स ऑन हो जाएगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि ये कनेक्ट हो रहा है और नहीं हो रहा है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको ये क्वेरी आएगी कि इसके बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। इस सेट टॉप बॉक्स को मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ अपने लैपटॉप की तरफ। तो चलिए मैं चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन तरफ। कोई भी इश्यूज़ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन तरफ। तो देखिए हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन तरफ। मैंने सारा प्रोसेस को कनेक्ट कर दिया है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने हर एक वीडियो में यही बताया कि सबसे पहले आपको जो लैपटॉप है उसको कनेक्ट करना है अपने जो आपका HDMI है, जो USB केबल है मैंने आपको बताई थी, उस दोनों USB केबल को एक आपको लगानी है 2.0 पे जो आपका सेट टॉप बॉक्स की तरफ है, और दूसरा लगाना है आपको लैपटॉप की तरफ। फिर आपको इसको पावर से कनेक्ट करना है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरा सिम रिमूवल मेरे अभी नहीं मिल रहा है, तो मैं ये सेफ्टी पिन है, आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको मैंने सारा कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसको पावर से कनेक्ट करके उस पर लगा के दिखाता हूँ कि ये सेट टॉप बॉक्स जो अभी 7.3 वर्जन का था, तो ये अब कनेक्ट होता है कि नहीं होता। देखिए मैंने इसको पावर से कनेक्ट किया और जैसे ही पिन प्रेस करूँगा तो देखिए 2 बार आवाज़ आई है, यानी कि हमारा जो USB है वो सही से कनेक्ट नहीं हुआ है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। देखिए मैंने फिर से उसको कनेक्ट कर लिया है। कभी कभी ये इशू आता है अगर आपका USB जो केबल है वो कनेक्ट नहीं है प्रॉपर। तो पावर कनेक्ट किया और ये पिन लगाया और ये देखिए देखें आप ये ऐसा रूट करके लिख के आ चुका है जी, ये देखिए। तो ये जो अभी आज तक आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था वो यही प्रॉब्लम थी कि आपका जो वर्ज़न है वो 6 या 6 से ऊपर का वर्ज़न होगा, तो इसको पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया था अभी। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल हटा देता हूँ क्योंकि मेरा अभी इसका कोई रोल नहीं है, मैंने सारी चीज़ें कर रखी हैं। अभी मैं प्रोसेस वही रिपीट कर दूंगा जो मैंने आपको दिखाया था। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नए व्यूअर्स हैं जो आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कई सारे मैंने वीडियो इस पर बनाए हुए हैं, और तकरीबन 6 महीने या साल भर से मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक को लेकर के। तो आपने इतने सारे वीडियो मिस कर दिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो मिलेगा आपको सबसे पहले। तो तब तक ख्याल रखिए अपना, जुड़े रहिए मिस्टर जी के साथ में, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।